बैंक निफ्टी चलेगा तब नए लेवल्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी कब चलेगा। बताने के लिए ऑरम कैपिटल के को फाउंडर जितिन परमार हमारे साथ हैं। जितिन जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। मार्केट एक ऐसे राह पे आके खड़ा है जहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी प्लस चीज़ें भी हमारे साथ अभी हैं जो हम लेगेसी में लेके आए हैं, और कुछ चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो हर छोटा मोटा चैलेंज भी मार्केट को कैप करता है। सर, 2022 का साल कैसे रहने वाला है? ये सब लोग मानते हैं कि 21 से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी अच्छे रिटर्न्स देगा। आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं सर? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2022 जैसे मैंने दिवाली के शो में बताया था, मुझे लगता है कि 2022 थोड़ा टफ रहेगा। जो हम बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो हमको पिछले 1.5 साल में जो थे वो सब मतलब हम प्लग कर चुके हैं। अभी यहाँ से एक स्टॉक पिकर और सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट चलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। रनवे रैली हमको दिखती नहीं है, सो हमको बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए इन व्हाट वी पिक। बट लॉन्ग टर्म के लिए हम अगर हम देखें तो मार्केट, इंडियन मार्केट विल डू वेल, अच्छा करेंगे। 2022 में हम सोच सकते हैं कि 10-15% का रिटर्न अगर आ जाता है तो भी ऑन पोर्टफोलियो लेवल आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ, ऐसा मुझे लगता है। राइट जितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जैसे आप बता रहे हैं कि यार थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, इस हफ्ते में तो चले लैकलस्टर मूवमेंट होती है क्योंकि एफआईज की पार्टिसिपेशन कम होती है। एक व्यू आपसे समझना चाह रहे हैं क्योंकि अब एफआईज जो है वो बायर होना शुरू हो गया है। कल सिर्फ छोटी बाइंग थी 200 करोड़ की, लेकिन एटलीस्ट बाइंग कन्वर्ट हुई। आपको लगता है कि कोई ऐसे बड़े रीजंस नहीं है नॉट टू वरी अबाउट, जिस तरह से इतने हम लगभग 28-29 दिन से देख रहे हैं कि एफआईज सेल ऑफ कर रहे थे, अब वो जो सेलिंग है उस पर ब्रेक लग जाएगी और एफआईज का फिर से पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट्स में लौट आएगा? तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा कि एफआईज आएंगे कि नहीं आएंगे। उनकी सेलिंग के बावजूद मार्केट ने मतलब काफी टिका हुआ है अच्छा, बिकॉज डोमेस्टिक फंड फ्लोज बहुत ही अच्छे है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल एफआईज जरूर आएंगे मार्केट में, बिकॉज वैल्यूएशंस अगर ठीक हो गए और ग्रोथ आनी है इकोनॉमी में तो एफआईज जरूर आएंगे वापस। आई थिंक 2022 में एफआईज का फ्लो पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। ये मार्केट जो है अभी जैसे मैं बता रहा था कि इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, अगर दिवाली वाले शो में मैंने बताया था कि इकोनॉमी अच्छा करेगी लेकिन मार्केट थोड़ा टफ रहेगा, मुझे लगता है वही होगा। इकोनॉमी बहुत अच्छी करेगी हमारी, लेकिन वो काफी कुछ प्राइस इन था इकोनॉमी अच्छा करना, और यहाँ से बहुत ही सिलेक्टिव होना जरूरी है। जितेंद्र जी, इस समय जो एक फोकस में एरिया है वो है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सरकारें प्रोएक्टिव हो गई हैं, काफ़ी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा क्या कहते हैं डेडली तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शंस तो बनते ही हैं। मेरा सवाल ये है कि अब अगले साल में अगर बाजार को चलना है तो कितने हद तक हम ये माने कि कोविड है या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको डाइजेस्ट कर लिया है बाजार ने, अब कौन से नए ट्रिगर्स होंगे जो अगले साल बाजार को मदद करेंगे आगे बढ़ने में? आई थिंक जो अर्निंग सरप्राइज आएंगे दैट इज वही हेल्प करेंगे मार्केट को। ओमिक्रॉन के बारे में जितना मैं समझ सकता हूँ मुझे लगता है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है, ऐसा समझ में आ रहा है। जो डेटा हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का उसमें पता चल रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन काफी लो है और वहां पे पीक आके गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। इवन यूके में और यूएस में काफी केसेस है बट हॉस्पिटलाइजेशन लो है। हमें लगता है कि इंडिया में अभी केसेस तो बढ़ेंगे ऐसा अनुमान है, लेकिन होपफुली इट विल बी माइल्ड, कंट्रोल में रहेगा। इंडिया में जितनी टेस्टिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है शायद इंडिया में उतनी टेस्टिंग भी ना हो, बिकॉज हम छोटी मोटी सर्दी खांसी के लिए हम ज्यादातर लोग टेस्ट नहीं करते हैं। और तो मुझे लगता है ओमिक्रॉन का खतरा इतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड लॉकडाउन ऑब्वियसली सरकारें अपना करेगी जहाँ जहाँ केसेस बढ़ेंगे, बट
कोई बड़ा लॉकडाउन तो मुझे लगता नहीं है कि होगा। अगेन मैं कोई कोविड एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये सब डेटा देख के मैं बता रहा हूँ। मेरा चैलेंजेस मार्केट में रहेंगे, टेपर है, इंटरेस्ट रेट हाइक से इन्फ्लेशन, ये रहेंगे। और सामने की साइड जो पॉजिटिव्स हमें लगता है कि आई थिंक कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और इकोनॉमी अच्छा करेगी। चलिए, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी चिंता ना हो, भले ही इसकी सीवियरिटी, इसकी स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इतने सीवियर इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो अब तक का डेटा है। इनफैक्ट जितेंद्र जी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर हम आपको, यहाँ अपने व्यूअर्स को भी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ सकती है। और यहाँ पर हमारी संवाददाता ईशा शाह के साथ खास बातचीत में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी क्लियरली कहा है कि मुख्यमंत्री आज या कल स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे और आगे की कोई स्ट्रैटेजी बनाने पर विचार हो सकता है, तो इस पर जरूर नजर बनी रहेगी। आइए एक बार आपको सुनवाते हैं ये रिएक्शन। फिलहाल एक बार फिर से जितेंद्र परमार हमारे साथ बने हुए हैं मार्केट्स पर बात करने के लिए। जितेंद्र, वेरी क्विकली आउटलुक 2022 में कौन से अब सेक्टर्स या आपको लगता है, क्योंकि जब आप इस साल के रिटर्न्स देखते हैं ना, आप सेक्टर्स देखते हैं, तो आपको बहुत सारे व्यूवर्स को शायद ये लग सकता है, इन्वेस्टर्स को, न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ 2020 में इन्वेस्ट किया और वहां से सिर्फ तेजी ही तेजी देखी। कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको 200-300% तक रिटर्न मिले। आईटी, आप रियल एस्टेट बात करें या आप मेटल्स बात करें या पीएसयू बैंक से बात करें, वहां आपको अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अब रियल सिचुएशन में ऑन ग्राउंड, अब आपको 2022 के लिए कितना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? आप भी मान रहे हैं कि यहां पर हर सेक्टर में और हर जगह तेजी नहीं दिख सकती, तो ऐसे में आपकी टॉप सेक्टर्स, और अगर आप थोड़ी हमें और डायरेक्शन दे पाए कि कहां आपकी नजर ज्यादा रहेगी। तो हमें हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर जो है वो है कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। हमें लगता है कि एक लंबे अरसे के बाद, लंबे डाउन साइकिल के बाद ये सेक्टर अभी अच्छा करेगा। हम इसमें इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 6-8 महीने से ऑलरेडी है, हम लोग अर्ली इस सेक्टर में गए थे, ये हमारा हाईएस्ट वेटेज है। तो कैपिटल गुड्स हमें लगता है, प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक्स हम जिन कंपनियों से बात कर चुके हैं या कॉन कॉल सुने हैं हाईएस्ट लेवल्स पे है और ये कंटिन्यू रहेगी। रॉ मटेरियल चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा, लकीली वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन हो रहा है स्टील वगैरह में, तो वो अच्छा है। सो कैपिटल गुड्स इज वन। टेलीकॉम हमें लगता है बहुत लंबा डिकेडल ट्रेंड हमको दिखता है, टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कंपनियाँ बहुत कम बची है, तो इसमें आपको बेस्ट के साथ जाना चाहिए, प्योर प्ले टेलीकॉम के साथ, तो वहाँ वो हमारे पोर्टफोलियो का हाईएस्ट वेट है। इसके अलावा रियल एस्टेट में हम लोग लगभग 1 साल से इन्वेस्टेड है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसमें, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है और हमें लगता है कि अभी तो ये शुरू हुआ है, ये एटलीस्ट 2-3 साल रियल एस्टेट ठीक करेगा। वैल्यूएशन सपोर्ट देख के करना चाहिए काम, क्योंकि काफी कुछ बढ़ चुका है। सीमेंट और पेपर हमको कॉन्ट्रा सेक्टर्स लग रहे हैं जहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा होटल्स में अगर अगर कोई करेक्शन आवे तो होटल्स में बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है और करेक्शन में बिल्कुल होटल्स को ऐड करना चाहिए। कुछ सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हमें केमिकल्स और आईटी भी अच्छा लगता है, लेकिन वैल्यूएशन अभी तक हमारे जो रेंज में या हमें जहाँ इन्वेस्ट करना है वो रेंज में वैल्यूएशन अभी नहीं दिख रहे हमें। सो अगर कोई बारी करेक्शन आया तो हम बिल्कुल ये सेक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक लंबा रुझान जो बोलते हैं वो दिख रहा है। ठीक है जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। जब आप लास्ट में बता रहे थे मैं आपके सेक्टर्स गिन रहा था, तो करीब 9 सेक्टर्स आप बता के जा रहे हैं जहाँ पे आपने पैसा लगाया। चलते चलते एक काम और करेंगे, जिस सेक्टर में पैसा नहीं लगाएंगे सिर्फ उसका नाम भी बता दो। हाँ, सो हम लोग जैसे अभी बता रहे हैं हम लोग आईटी में अभी है नहीं, केमिकल्स में भी हम अभी इन्वेस्टेड नहीं है, बट हम लोग करेंगे अगर सिग्निफिकेंट करेक्शन आया तो वहां पे। इसके अलावा ये जो न्यू एज कंपनीज है जो अभी काफी सारी लिस्ट हुई है, बिल्कुल हम लोग वहां पे नहीं है, हमें वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। सो ये कुछ सेक्टर्स है जहां हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। ओके, तो वो सेक्टर्स अवॉइड करने हैं, और जैसा कि अभी जितेंद्र ने बताए
फोकस उनका किस सेक्टर पर है अगले आने वाले साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेन, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर हमसे चर्चा करने के लिए। इस तरह की बड़ी वॉइसेस हम लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर आपको सुनवाते जा रहे हैं और आज